हेलो गुड मॉर्निंग डियर ऑल यू आर स्टडिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टूडेज टॉपिक इज डेरिव्ड यूनिट इसको पढ़ेंगे डेरिव्ड यूनिट क्या होती है इन एडिशन टू द सेवन बेसिक यूनिट इन यूनिट्स गिवन इन टेबल वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन में जो सेवन बेसिक यूनिट दी गई थी आपने देखा होगा पढ़ा होगा जैसे लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ मोल ये सब बेसिक यूनिट हैं जो मैं बोला अभी तो उन्हीं से कुछ यूनिट्स और बनाई गई हैं दीज यूनिट्स आर ऑप्टेंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट बेसिक यूनिट को ही जोड़कर ये बनाई गई हैं जैसे एग्जांपल देखिए स्क्वायर मीटर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं इसको इज यूनिट फॉर एरिया एरिया की यूनिट है एंड क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम सम ऑफ द कॉमनली यूज एस आई डेरिवड यूनिट आर गिवन इन टेबल आगे दी गई हैं उसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ तो उनको भी आपको अपनी कॉपी में बना लेना है लिख लेना है नोटबुक में प्लस लर्न भी कर लेना है अब हम समझ रहे हैं मास और वेट क्या ये दोनों एक ही चीज़ है बिल्कुल नहीं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं क्या है ये देखिए जनरल इंट्रोडक्शन है वैसे तो आप जानते हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में आप इसको पढ़ चुके हैं दोनों में क्या अंतर होता है फिर भी मास इज दबस्टांस मास ऑफ द सबस्टांस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट मास जो है क्या होता है जितनी भी मात्रा किसी पदार्थ की रहती है उसको हम मास कहते हैं है ना मैटर में जितनी भी मात्रा किसी पदार्थ की रहती है उसको हम मास कहते हैं और वेट क्या होता है वाइल वेट इज फोर्स एग्जेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट और वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविट ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है वो होता है वेट द मास ऑफ अबस्टांस इज कॉन्स्टेंट मास जो है पदार्थ का कॉन्स्टेंट रहता है वो बदलता नहीं है जबकि वेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जबकि वेट जो है बदलता रहता है जगह बदलने पर वेट भी बदल जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि अलग अलग जगह ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है ऐसा इसलिए होता है केयर शुड बी टेकन वाइल यूजिंग दीज टर्म्स मतलब जब भी वेट और मास की बात होंगी तो आपको सावधानी से इनको डील करना है दोनों एक ही चीज़ नहीं है ये एनालिटिक बैलेंस दिया गया है जिसमें कि मास को मेजर करते हैं है ना द मास ऑफ सब्सटेंस कैन डिटरमाइन वेरी एक्यूरेटली इन लेबोरेटरी विद दिस एनालिटिक बैलेंस दूसरी जो चीज़ है वो है वॉल्यूम वॉल्यूम हैज़ द यूनिट लेंथ क्यूब वॉल्यूम की जो यूनिट होती है लेंथ क्यूब होती है तो ऐसा ही यूनिट ऐसा सिस्टम में इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब बट सिंस स्मॉल वॉल्यूम आर यूज्ड इन लेबोरेटरी लेबोरेटरी में और छोटे वॉल्यूम का उपयोग करते हैं हैंस द यूनिट ऑफ सी एम क्यूब और डी एम क्यूब आर यूज तो और छोटी इकाई इसकी क्या हो जाएगी सी एम क्यूब और डी एम क्यूब हो जाएंगी हाँ, आगे दिया है दिख पा रहा होगा ठीक ओके आगे दिया है कि डीएम क्यू आर यूज अ कॉमन यूनिट लीटर विच इज नॉट एन एसआई यूनिट लीटर जो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लीटर का उपयोग करते हैं ये एसआई SI यूनिट नहीं है इट इज नॉट एसआई यूनिट है ना अब वन लीटर इक्वल टू ये आपको रिलेशन मालूम है वन लीटर इक्वल टू वन थाउजेंड मिली लीटर या वन थाउजेंड सी एम क्यूब इक्वल टू वन डी एम क्यूब इन अ लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन कैन बी मेजर बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेबोरेटरी में जो वॉल्यूम मेजर किया जाता है ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है ये इसके द्वारा मेजर किया जाता है या फिर ब्यूरेट होता है दिस वन इज ब्यूरेट पीपेट दिस वन इज पी पेट एक्सेट्रा इनसे हम वॉल्यूम मेजर करते हैं या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इन इनकी मदद से ठीक है अगला है डेंसिटी क्या ये दिख पा रहा है हाँ डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सब्स्टांस इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम किसी पदार्थ का पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी उसका मास होगा उसको हम डेंसिटी कहते हैं सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेंड एज फॉलो डेंसिटी के लिए फार्मूला लगाएंगे और उसी फॉर्मूले से इसकी ऐसा यूनिट निकल आएगी डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम आपने पढ़ा है तो ऐसा यूनिट ऑफ मास कर दोगे अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऐसा यूनिट ऑफ मास होती है के जी और ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब तो इसकी जो ऐसा यूनिट आई डेंसिटी की के जी पर मीटर क्यूब के जी पर मीटर क्यूब को ऐसे भी लिखा जाता है के जी पर मीटर क्यूब के जी पर मीटर क्यूब इसको ऐसे भी लिखा जाता है के जी पर मीटर क्यूब पढ़ेंगे इसको ठीक है अब ये क्या है दिस यूनिट इज लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम्स पर cm3 यह यूनिट kg पर मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है छोटी यूनिट क्या होती है ग्राम पर cm3 होती है वेयर मास इज एक्सप्रस्ड इन ग्राम और वॉल्यूम इज एक्सप्रस्ड इन cm3 मास को ग्राम में लोगे और उस वॉल्यूम को cm3 में लेंगे अब ये जो है आपको इसका मैं पूरा इसका फोटो भेज दूंगा आप उसको अपनी कॉपी में बनाना और याद भी करना अब जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ पूरा आ नहीं पा रहा है कोशिश तो कर रहा हूँ मैं जैसे पैरामीटर्स हैं एरिया नेम ऑफ यूनिट इसकी कुछ नहीं है सिंबल कुछ यूनिट नहीं है तो सिंबल भी कुछ नहीं है इसकी डेफिनेशन होगी लेंथ स्क्वायर लेंथ स्क्वायर को कैसे डिनोटेट करते हैं मीटर स्क्वायर से डिनोटेट करते हैं ठीक है आप ऐसे टेबल बना लेंगे फिजिकल क्वांटिटी नेम ऑफ यूनिट सिंबल ऑफ यूनिट डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी यूनिट और एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट एक लास्ट कॉलम और बना लेंगे एक्सप्रेशन जिसमें लिखोगे एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एस आई बेसिक यूनिट ये आपको याद होनी चाहिए बच्चों तभी आपका काम आगे चलेगा क्योंकि यहाँ पर आप न्यूमेरिकल भी डील करेंगे जब न्यूमेरिकल डील करेंगे तो आपको ये रिलेशनस मालूम होने चाहिए ठीक है इसको याद कर लेंगे कॉपी में बना लेंगे जैसे मैं इसकी कॉपी भेज दूंगा एक फोटो कर, खींच के भेज दूंगा जैसे वॉल्यूम नेम ऑफ यूनिट नहीं है सिंबल नहीं है इसका इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी लेंथ क्यूब हो जाएगी मीटर क्यूब कहते हैं डेंसिटी की डेफिनेशन मास पर वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम इसकी यूनिट अभी अभी हमने निकाली थी के जी पर मीटर क्यूब के जी पर मीटर क्यूब हो जाएगी है ना वैसे ही स्पीड की डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को हम स्पीड कहते हैं इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन स्पीड चेंज पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम में जो स्पीड में चेंज आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं इसकी इकाई यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है वैसे ही फोर्स का न्यूट फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन है आपको न्यूटन कौन है ये पता ही है ग्रेट साइंटिस्ट थे कैपिटल एन से दिखाया जाएगा और मास टाइम एक्सलरेशन के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैसे ही आ, प्रेशर की यूनिट पास्कल ब्लैसी पास्कल आ, को ऑनर देने के लिए इसकी यूनिट पास्कल रखी गई है ब्लैसी पास्कल जो है एक ग्रेट साइंटिस्ट थे पी ए से डिनोट करेंगे फोर्स पर यूनिट टाइम फोर्स पर यूनिट एरिया इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर ऐसे ही एनर्जी की जूल ये एनर्जी को डिफाइन किया गया है फोर्स टाइम डिस्टेंस टेबल है ना ये इसकी डेफिनेशन होगी और इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो वो हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और वैसे ही पावर की वाट W से डिनोट करोगे एनर्जी पर सेकंड को हम वाट वाट कहते हैं के जी पर के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब या जूल पर सेकंड कह लेते हैं वैसे फ्रीक्वेंसी हर्ज एच जेड साइकल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और इसकी यूनिट होती है पर सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम सी एम्पियर टाइम सेकंड्स ए एस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट वी एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो इसकी यूनिट हो जाती है जूल पर एम्पीयर जूल पर एमपीयर ठीक है बच्चों आगे हम देख रहे हैं इसको मैं भेज दूंगा अभी आपको फोटो खींच के अगला है टेम्परेचर देयर आर थ्री कॉमन स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर तीन कॉमन स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक है डिग्री सेल्सियस दूसरा है फायरन हाइट डिग्री फायरन हाइट तीसरा है केलविन हेयर के इज ऐसा यूनिट टेम्परेचर की जो ऐसा SI यूनिट है वो है केलविन द थर्मो मीटर बेस्ड ऑन दिज स्केल आर सोन ये थर्मोमीटर दिखाए गए हैं इसी स्केल पर आधार पर यह थर्मोमी दिखाए गए हैं जनरली इधर थर्मामीटर विद सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जो सेल्सियस स्केल होता है वो जीरो से हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करता है इतना ही पैमाना इसमें बना हुआ होता है वहर दिस टू टेम्परेचर आर फ्रीजिंग पॉइंट जीरो क्या हो जाएगा जीरो डिग्री क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा और हंड्रेड डिग्री क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ठीक है यहाँ पर रिलेशन समराइज किया गया है आप इसका डायग्राम बनाएंगे अपनी नोटबुक में मैं थोड़ा सा को रिलेट कर दूँ इनको जैसे टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस सेल्सियस पैमाने पर सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस है तो वह टेम्परेचर फारेनहाइट हाइट में थर्टी टू डिग्री फॉरन हाइट के इक्वल होगा मतलब सेल्सियस स्केल में जीरो डिग्री इज इक्वल टू थर्टी टू डिग्री फॉरन हाइट दूसरा रूम टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में आपको पता है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस होता है इट इज़ इक्वल टू सेवेंटी सेवन डिग्री फारेनहाइट अब बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स ऐसा कुछ होता है तो उसको राउंड uh, ऑफ किया गया है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो फारेनहाइट में ये हो जाएगा नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स और बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है फारेनहाइट में हंड्रेड एड कर दोगे टू ट्वेल्व हो जाएगा अब इसी को सेल्सियस uh, स्केल को कैलविन स्केल के साथ तुलना की गई है जैसे जीरो डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा आप कैलविन के टू सेवेंटी थ्री के कुछ तो समझ के, के में आ रही होंगी आपकी जीरो डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है कैलविन में टू सेवेंटी थ्री के रूम टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है विच इज इक्वल टू टू नाइन्टी एट कैलविन क्या किया टू सेवेंटी थ्री में ट्वेंटी फाइव ऐड कर दिया तो टू नाइन्टी एट कैलविन आ गया वैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको बताया हमने थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस है और कैलविन स्केल में उसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री हंड्रेड टेन कैलविन क्या किया आपने टू सेवेंटी थ्री में थर्टी सेवन ऐड कर दिया तो 310 आ गया अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस है विच विल बी इक्वल टू 373 केल्विन व्हाट यू डिड हियर यू जस्ट ऐड 273 प्लस 100 दिस विल कम आउट टू 373 केल्विन दिस इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर हियर केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की द टेम्परेचर थोड़ी सी बातें और हैं इसी में द टेम्परेचर ऑन टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप है डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे नाइन अपॉन फाइव डिग्री सेल्सियस प्लस थर्टी सेवन डिग्री ऐड कर दोगे तो फारेनहाइट में सेल्सियस टेम्परेचर जो है कन्वर्ट हो जाएगा दूसरा है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जैसे अभी हम हमने किया था केल्विन के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया है तो उसको केल्विन में बदलना है तो आपको टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ऐड करना पड़ेगा थैंक यू